मेला महोत्सव की टीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 7 और 1 के ठीक बीच में है। वही नाम, हाँ, सालों सालों पुराना नाम, यानी कि रिझुल फर्नीचर और फर्निशिंग और एल्डर फर्नीचर के इस प्यारे से शोरूम पर, जिनकी सिटी ब्रांच है पिंटू पार्क सब्जी मंडी के ठीक पीछे, पिंटू पार्क टंकी के ठीक पास में। चलिए आपको लेकर चलता हूँ रिझुल फर्नीचर और फर्निशिंग के शोरूम के अंदर। बोलो हारे के सहारे की, बोल बाबा श्याम की, बोल खाटू नरेश की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप ही का अपना वाला प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव में मैं विवेक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज फिर से लेकर आया हूँ, यानी के अब एक बड़ा उपहार जुड़ चुका है आप सभी के साथ, यानी कि अगर आप में है टैलेंट तो जीतिए रोज की रोज ये ट्रॉली बैग। और अगर घर बैठे भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, तो घर बैठे भी आप इनाम जीत सकते हैं, यानी कि ये ट्रॉली बैग घर बैठे। बस कुछ नहीं करना है, घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकल कर सीधे महाराज बाड़े पर जाना है, कोहिनूर रोजरी के ठीक पास में गर्ग साड़ी कलेक्शन, वहाँ पर जाइए और पता कीजिए कि गर्ग साड़ी कलेक्शन पर क्या क्या अवेलेबल है, और मुझे आकर बता दीजिए छतरी नंबर 3 पर, और जीतिए रोज उपहार। चिरकुंडा हाजिर हो, हाजिर हूँ। आ गया, भाई साहब कराटे पराटे सीखने का याद आ गया? नहीं भाई साहब, लगा 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 कैसे उड़ेगा तुम्हारा, कराटे सिखाते हैं। से, 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 पंचे से, पंचे से, पंचे से। हाँ, कैसे करते हो? किक, थ्रो और बहुत कुछ चीजें हैं। लगा लगा कैसे धुआं कैसे उड़ाते हो? 1 2 3 पहले शक्ति दो, 1 2 3 लगा 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 लगा
रखना है भाई, तुमको मिला नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ ये तो जो घर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छा, उनके अच्छा। लिए भी है ये ट्रॉली बैग, अच्छा उनके वो भी लिए। जीत सकते हैं अच्छा। और ये शानदार साड़ी देखते हैं आज पब्लिक में कौन जीत कर ले जाता है घर के साथ। ये जयपुर हाउस महाराजवाड़ा पर 150 प्रकार के लहंगे मिलते हैं, राजस्थानी लहंगे, एक उनकी तरफ से देखते हैं आज कौन जीत कर ले जाता है। या पब्लिक बता देगी इनके कितने स्टॉल हैं महाराजवाड़े पर, तो उनको भी मिल सकती है शानदार साड़ी। और एक और साड़ी और LIC व्हीकल की ओर से सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब साड़ी है ना? साड़ी? हाँ साड़ी। साड़ी किसके लिए ले जाओगे? वो नहीं बताऊंगा मैं। नहीं बताओगे? नहीं वो नहीं बताऊंगा। बता दो। दो साड़ी है ना? दो साड़ी। हाँ तो पता है किसके लिए ले जाऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से प्रोग्राम की। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली भजन से। हमारे बीच आंटी जी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आंटी जी? मालती शुक्ला। भारती शुक्ला जी? मालती 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 शुक्ला जी। हाँ। कहाँ रहते हैं? न्यू कॉलेज नंबर 1 क्वार्टर नंबर 148 हजीरा। हजीरा पे सुनाइए, क्या सुनाएंगे? भजन? भजन ही सुनाएंगे। आओ मन मंदिर में जगाए झांकी सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किसका की, वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी शाप मिला अति भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई शरण राम के आया था, शिला रूप से मुक्ति पाई शरण राम के आया था। मुक्ति मिली जब वो बोली, मुक्ति मिली जब वो बोली जय जय सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। आओ जगाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, वो काया है। बहुत शानदार, जिनके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। बहुत अच्छा भजन सुनाया। और आंटी जी अभी मेले में क्या क्या घूमा अभी आप? अभी बस घर से आते ही जा रहे हैं। खरीदवाया नहीं? नहीं नहीं खरीदेंगे, अभी जा रहे हैं। अभी आते जा रहे हैं, आपसे मुलाकात हो गई। हाँ आते जा रहे हैं तो आप ही के लिए तो बना रहा हूँ मैं प्रोग्राम। आप मोबाइल पे बैठ के भी घर बैठे भी आप देख सकते हैं सभी बुजुर्ग ग्वालियर का व्यापार मेला। और कोई भजन? हाँ और बहुत आते हैं। श्यामा तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए। सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। ए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। ए श्यामा तेरे चरणों के। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की और कन्हैया लाल की जय। क्या नाम है बेटा आपका? नुजत। क्या नाम है? नुजत। नुजत हमारी छोटी बहन आई है, बहन को अप्पी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अप्पी बोलते हैं ना। हाँ आप में तो बहुत अच्छा टैलेंट है। हाँ आप में बहुत अच्छा टैलेंट, अब कैमरे को देख के करना ठीक है, और आपके टैलेंट को डालेंगे अलग से
हाँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अब कौन से गाने पे करोगे जल्दी बताओ? जहाँ जाए नो एंट्री। क्या? जहाँ जाए वहाँ जाए नो एंट्री। ओ, ये होता है टैलेंट, ये है ग्वालियर का टैलेंट और छोटी हमारी अप्पी का टैलेंट। हाँ, क्या नाम बताया था? नुज्जत। नुज्जत का प्यारा था टैलेंट। एक और आपको दिखा दे। वैसे आप कहाँ रहते हो? आप ग्वालियर। ग्वालियर में कहाँ रहते हो? घर पे माधोगंज में रहते हो? हाँ, माधोगंज में डैन पर 155 नंबर पे। और पापा के मोबाइल में तो आप देख लेना। हाँ, कल ही मिल जाएगा आपको अपना टैलेंट। ठीक है, पक्का? आप सर्च करोगे ना नुज्जत का टैलेंट, ग्वालियर मेला महोत्सव, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये बताओ आपको तैयार किसने किया आज? पापा ने? तो कौन तैयार करता है? मम्मा। मम्मा ने तैयार किया? पक्का? पक्का। सच्ची में? पापा तैयार नहीं करते? कभी कभी तो करते होंगे, कभी भी नहीं करते पापा तैयार। चलिए, आप प्यारी सी गुड़िया का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं मेला महोत्सव 2024 में। आपके लिए मालूम है, वो हमारी खाला बैठी है ना अवार्डपुरा में, देखो वो देख रही हैं आपको। उनने बोला हमारी बिटिया का एक और डांस कराओ। हाँ, तो आप करोगे? पक्का? सच्ची में? चलिए चलिए, अब आपको एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। भाभी जी यहाँ पर आई हुई हैं। भाभी जी कौन कौन आए हैं आपके साथ मेला घूमने के लिए? मेरी दीदियाँ आई हैं दोनों, और बच्चे हैं उनके। सारे बच्चे हैं? हाँ। मतलब कौन कौन लोग आए इनके साथ में? ये सारे हैं, ये दोनों दीदी हैं और ये बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है। परिवार आए हैं चूल से। कैसा लगा मेला आपको? अच्छा। आप यही रहते हो, बाहर रहते हो? नहीं, ग्वालियर में रहते। ग्वालियर में रहते हैं। क्या सुनाएंगे आज? दो लाइन का भजन। दो लाइन का भजन सुनाइए। अच्छा। राधे कृष्णा की ज्योत अलोकित, तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति भी बस एक प्रेम पुजारन, फिर भी गीत गाए रही है। दोनों करो शिकार कृपा, जोगन आरती गाए रही है। राधे कृष्णा की ज्योत अलोकित, तीनों लोक में छाए रही है। बहुत शानदार। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा। आपका आज्ञा शिकरवार। आज्ञा शिकरवार, यहाँ आज जो ठाकुर साहब आए हैं। बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? ग्वालियर में। ग्वालियर में, तो आज क्या टैलेंट करके दिखाओगे? डांस। डांस करके दिखाएंगे। डांस आता है आपको? कितना आता है? इतना आता है कि इतना सारा आता है? ठुमक ठुमक। ठुमक ठुमक पे आता है? कितना आता है? इतना आता है कि बहुत सारा आता है? बहुत सारा आता है आपको? पक्का? मुझे नहीं पता। आता है। अच्छा ये बताओ, ये जैकेट आपने पापा की पहनी है क्या? नहीं। तो मम्मा की? खुद की है। खुद की कैसे हुई? मुझे तो लग रहा है मम्मा की जैकेट है। खुद की है। और ये कैप भी पापा का लग रहा है? नहीं। ये आपका है कैप? पक्का? तो डांस करके दिखाओगे? चलिए, गुड़िया का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। क्या नाम बताया था आपने? आद्या शिकरवार। आद्या शिकरवार, ठाकुर साहब का प्यारा सा टैलेंट आप सभी के बीच। जो कहते हैं बेटियां किसी से, जहां पर जितने लोग मौजूद हैं, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर ग्वालियर मेला महोत्सव, फेसबुक पर ग्वालियर मेला महोत्सव, और इंस्टा पर ग्वालियर मेला महोत्सव। और जो सबसे पहले आ जाएगा सब्सक्राइब करके, उसके लिए एक बड़ा उपहार है, और जो सब्सक्राइब कर लेगा उसके लिए भी उपहार है मेला महोत्सव की ओर से। छोटे भाई आ चुके हैं। हाँ, ये है सनातन संस्कृति। क्या तो ठलक लगा के आयो पापा के साथ? किसके साथ आयो? मम्मी। मम्मी के साथ आयो? पापा नहीं लेकर आते मेले? नहीं। और ये पैंट तो पापा का पहन के आयो? नहीं, मेरी है। ये आपकी पैंट नहीं है, पापा की पैंट है। मेरी है। पक्का बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। आपकी पैंट है? हाँ। कि पापा की है? मेरी। और ये जैकेट किसका है जल्दी बता दो, कान में बताओ किसका है। आपका है? मुझे चाचा का लग रहा है। मेरी है। चाचा का लग रहा है मुझे जैकेट। मेरी है। आपकी नहीं है, चाचा की है। मेरी है। पक्का? हाँ। तो फिर पैंट पापा का होगा? नहीं है। पैंट भी आपका है? भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, पूछे
चंद्र की जय। भारत का गाना सुनाओ जल्दी से। और कौन सा गाना आता है आपको? और हम क्यों बात कर रहे हो? और अब और भी आता है गाना? हाँ। कौन सा जल्दी बताओ? टेडी शर्मा है कजरा। सुनाओ सुनाओ टेडी शर्मा है कजरा उल्फा का गड़ती आर पार गाक। गौरव भारत का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम पूछेगा। और क्या डांस भी आता है आपको? हाँ। आता है। कौन से गाने पर डांस करोगे? ये है ग्वालियर का टैलेंट। कैसा लगा इनका टैलेंट बता दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखो सबको अच्छा लगा, एक बार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। भारत का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। क्या क्या बोलेगा? भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम पूछेगा। अच्छा ये बताओ आपको डायलॉग आता है कोई? और आता है। कौन सा डायलॉग आता है? तेरी शर्मा है कजल डाल तो आपका घड़क आपका। बहुत बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है? पक्का आ जाओ गोदी में आ जाओ। चलो अपन ऐसा काम करते हैं, अपन इंटरव्यू लेते हैं सभी का, ठीक है? लोग इंटरव्यू, चलो आ जाओ इंटरव्यू लेते हैं। और कौन शामिल होने वाला है इस प्यारे से टैलेंट में? और चलिए साथ यहाँ पर मौजूद हैं मैम ऑल इंडिया रेडियो में। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में सभी हिंदुस्तान वालों का, हाँ यानी कि इनकी आवाज़ पहुंचती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयशा कुशवा। आयशा कुशवा जी, कहाँ रहती हैं? मैं तानसेन नगर में रहती हूँ। हाँ। तो आप यहीं पर हैं या दिल्ली में? यहीं पर ही हूँ। अभी प्रेजेंटली तो मैं टीचर हूँ, वो तो मैंने छोड़ दिया। जो ग्वालियर आकाशवाणी में काम करती थी वो छोड़ दिया। हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी आप टीचर हैं। हाँ, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ नहीं सुनाना चाहूंगी मैं, ये लोग यही पुश कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। इससे के बच्चों को भी वो मिलती है ना? मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा क्या सुना। आप याद कर लीजिए। मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कोई गाना भी मुझे तो पूरा भी याद नहीं है। हाँ जितना याद हो सुनो। तुझिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। अच्छा आप रेडियो में काम करते थे तो सुबह की मॉर्निंग कैसे करते थे आप? नहीं नहीं, मेरा तो प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था और वो एक घंटे का प्रोग्राम होता था, उसकी तैयारी में 2-3 घंटे लगते थे। वो हमें टॉपिक्स मिलते थे, कुछ भी जल संरक्षण का भी हो सकता है या फिर कोई दिवस होते थे जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो संरक्षण का लोग बाग नल की टोटियां खोल देते हैं और वेस्ट करते हैं पानी का, पानी की बर्बादी करते हैं। नहीं अब तो लोग बहुत, कोई मैसेज दे दीजिए। अच्छा बहुत अलर्ट है। सबसे जरूरी अगर हम अगर देखें प्रकृति का कुछ एलिमेंट है तो वो जल ही है, तो उसको तो सेव हमें करना ही चाहिए। और अब तो लोग अवेयर हैं बहुत हद तक, और जो नहीं है उनको हम करते हैं। गर्मियों का जो मौसम आता है तो स्वागत करते हैं। मेरा महोत्सव 2024 पब्लिक के लिए भी गिफ्ट है। हाँ, तन मन की ओर से और मॉस्कोट की ओर से एक एक रिफिल सभी के लिए मॉस्कोट। हाँ यानी कि अब आपके घर पर मच्छर नहीं आएंगे। हाँ कोसों दूर रहेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? धर्मेंद्र शर्मा नाम है मेरा। हाँ, क्या सुनाएंगे आप? भगवान गोविंद का भजन सुना देता हूँ। भगवान गोविंद का भजन सुनाइए।
गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, कृष्ण तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया, एक प्रेम पुजारी आया है, एक दीन विकारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया, मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नाओ मनमोहन, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आ, मेरे हाथों में फूलों का गजरा है, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। मेरे हाथों में फूलों का गजरा है, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन, मैं तुम्हें पहराने आया। मेरे हाथों में केशर तिलक है, मैं तुम्हें लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में केशर तिलक है, मैं तुम्हें लगाने आया हूँ। बड़े प्रेम से लगवाओ मनमोहन, मैं तुम्हें लगाने आया हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार अंकल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आया हूँ। बड़े प्रेम से जीमो मनमोहन, मैं तुम्हें जीवाने आके बिहारी लाल की जय, बंसीवारे की जय। के लिए गिफ्ट है मेरे पास उपहार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आ जाइए और ले जाइए एक बड़ा उपहार मेरे से। अगर किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है, ग्वालियर मेला महोत्सव यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो गिफ्ट ले जाइए। और एक आपके लिए, अब मच्छर आपके पीछे नहीं भागेंगे, यानी कि मच्छर अब घर से दूर रहेंगे। के लिए रुद्र इंडस्ट्री से एक आपके लिए भी है, इधर आ जाओ, मैं के लिए भी है रुद्र इंडस्ट्री से। ये जलाना, मच्छर आपके घर से रहेंगे कोसों दूर। रुद्र इंडस्ट्री से एक आपके लिए बेटा, एक आपके लिए, और एक बेटा एक आपके लिए भी है रुद्र इंडस्ट्री से, एक आपके लिए। आंटी जी एक आपके लिए तनमन से, एक ये शानदार उपहार छतरी नंबर 3 पर लगाए वॉशिंग पाउडर, एक आपके लिए। और बड़ा ही अच्छा टैलेंट करके दिखाया था, विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर से ये शानदार उपहार क्रियान सोनी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से ये शानदार उपहार। और बेटा आपने डांस बहुत अच्छा किया था, ये अपनी मम्मा को गिफ्ट कर देना, ठीक है। एक आपके लिए जयपुर हाउस, एक आपके लिए, मम्मा को दे दूँ आपकी पक्का? आपने अभी तक मम्मा को कभी गिफ्ट दिया है? आपने नहीं दिया होगा, ऐसा गिफ्ट दिया है? मम्मा कपड़े दिलवा दिए, अब आप मम्मा को साड़ी देना। एक आपके लिए है जयपुर हाउस, 150 प्रकार के यहाँ पर जयपुर लहंगे मिलते हैं, महाराजवाड़ा मोर बाजार में है, जयपुर हाउस की ओर से एक ये उपहार एक आपके लिए। एक आपके लिए भी है ये मॉस्कोइट से, ये प्योर हर्बल है रुद्र इंडस्ट्री मॉस्कोइट से, ये प्योर हर्बल है और बहुत अच्छी है, जो सांस लेने में दिक्कत रहती है ना तमाम वालों को, या जो और कोई क्वाइन आती है, मगर ये 100% हर्बल है एक आपके लिए। घूमते घूमते दर्शक में से हमें मिल गए हैं भैया, ये बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं माननीय मोदी जी की। मोदी जी के बारे में
यहाँ जो ये आवाज़ तो सर आनी है इसकी, ऐसी आएगी? नहीं नहीं, आवाज़ माइक में आ रही है, वो हमारी चाची समझ गई। चाची जी, ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ जो मेरे नौजवान बैठे बैठियाँ हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मैं उन्हें सारा पुरानी को चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। उनको उनके लिए सारी बातें नहीं होंगे, उनको पता चलेगा कि आपके माँ बाप को जो मुसीबतों से गुजरना पड़ा इनके कारण, मेरे नौजवानों वैसी जिंदगी आपको ना जीनी पड़े, इसलिए मोदी अपने आप को खपा रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और किसने, और किस राय नेता किया? राहुल गांधी की। हाँ सुनाइए। जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस किसी राजनीतिक दल या सभा का नाम नहीं, वो सोचने का और जीने का एक तरीका है। यहाँ दो तरीके हैं, एक है भाजपा पार्टी और एक है कांग्रेस, ये सोचने के और जीने के दो तरीके हैं। बहुत अंदर। और किस राजनेता की आती है आपको? राजनेता यही है, आसाराम बापू की आती है। बापू जी की, बाबा रामदेव की? बाबा रामदेव की अच्छी नहीं आती। राजकुमार की आती है, राजकुमार की सुनाइए। नसीर साहब की आती है, सुनाइए राजकुमार की। इसमें तो माइक में आवाज नहीं आ रही सर। माइक सामने आ रही है। अच्छा सर, यूट्यूब पर 101 मिलियन लोग देख रहे हैं, उनको आ जाएगी। ठीक है सर। नहीं, और ना दुश्मनों की तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से। और दुबे सत्यवादी, सत्यवादी दुबे, हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही आज तलक किसी मुजरिम ने सोची होगी। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। भाई साहब, मैं भी निकालता हूँ कौए की। कौए की? अरे भाई साहब, अभी आ जाओ भाई साहब। अरे तुम ही निकाल लो यार। नहीं नहीं, मैं तो कौए की निकाल। चल कोई ना आए, मुझे परेशान करने आता रहता है बार बार। और कुछ नहीं आता, मैं तो बैस ही निकाल रहा हूँ। चिरकुंडा, ये तो बीच में आता रहता है। ओए चिरकुंडे, आपका ही है, आपका ही है। हाँ ये चिरकुंडा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। समझ गया, समझ गया। चिरकुंडा उड़ जा, उड़ गया चिरकुंडा। इसी व्हीकल से 120,000 रुपए की गाड़ी और सीधा सीधा 80,000 रुपए का डिस्काउंट मात्र 40,000 रुपए में मिल रही है एलिस की ई बाइक। जाइए सीधे सिटी सेंटर, राम वाटिका के ठीक सामने है और महिलाओं के लिए तो बहुत शानदार है। साथ में गाड़ी के एक 32 इंच का LED TV फ्री और साथ में एक RO फ्री गाड़ी के साथ में। 120,000 रुपए की गाड़ी और 80,000 का सीधा सीधा डिस्काउंट। आज ही जाएं LIC व्हीकल के शोरूम पर। आपने डांस बहुत अच्छा किया था, दोनों भाई बहनों के लिए, एक आपके लिए। और आपने अंकल जी बहुत अच्छा भजन सुनाया था, एक आपके लिए LIC व्हीकल से। और एक बेटा आपने डांस अच्छा किया था, एक आपके लिए LIC व्हीकल से। के लिए बेटा ये सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, ये मोबाइल फ़ोन का टेम्पर कायरा का, एक आपके लिए टोपी बाजार से सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। और एक आपके लिए, हाँ आपने भी टैलेंट, आपने ना मालूम है आज सबको फेल कर दिया पक्का। भारत का बच्चा बच्चा, एक आपके लिए आकाश बंसल जी की ओर से उर्वशी मोबाइल एसेसरीज से, एक आंटी जी, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की ओर से और एक आपके लिए है उर्वशी मोबाइल एसेसरीज की ओर से। और एक बेटा एक आपके लिए है ये शानदार उपहार सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर टोपी बाजार से, एक आपके लिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लो पकड़ लो, एक आपके लिए और एक आपके लिए भी है, ये कायरा का टेम्पर सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की ओर से। और एक सर एक आपको देता हूँ ये बड़ा ऑफर, मॉस्कोइट गो से ये कॉम्बो पैक है। हाँ, प्योर हर्बल है रुद्र इंडस्ट्री का ये प्रोडक्ट है, एक आपके लिए मॉस्कोइट गो, यानी के अब घर से दूर भागेंगे मच्छर, मलेरिया डेंगू वाले मच्छर, खतरनाक मच्छर भिन भिन बनाएंगे नहीं, और आपके घर से कोसों दूर भागेंगे। और मेहमान आएंगे तो मेहमान पूछेंगे कि आपने कौन सा इत्र डाला है अपने घर में, खुशबू भी बड़ी शानदार है। पब्लिक के लिए है ऐसा ही टेम्पर, आप जाना सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर
तो आपके मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा पब्लिक के लिए। एक आपके लिए भी है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक सर आपके लिए टेम्पर कायरा का टेम्पर मोबाइल में लगवाना भैया के, एक आपके लिए भी है ये टेम्पर का ये कूपन ले लो बेटा, मोबाइल का टेम्पर बिल्कुल फ्री सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। एक आपके लिए है, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक मैम एक आपके लिए है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से टेम्पर मोबाइल में लगवाना बिल्कुल फ्री। एक मेरा भी टेम्पर टूट गया मुझे, आपका टूट गया। एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक सर एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, और एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। ग्वालियर के व्यापार मेले में आया है अंडर वाटर फिश टनल, ये नहीं देखा तो मेले में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी मछलियां आई हैं। ये झूला सेक्टर पर ये फ्री कूपन दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, बच्चों के लिए है एक आपके लिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री। ये दिखाना बोलना विवेक भैया से जीत कर आए हैं तो आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल। यहाँ पर मान लो पढ़ी लिखी मछलियाँ आई हैं, बोलती भी हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलती हैं। एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से, और एक आपके लिए, हाँ सोनी साहब एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल। जाना झूला सेक्टर पर घूम कर आना, मनीष शर्मा जी ने लगाया है ये अंडर वाटर फिश टनल। एक बेटा आपके लिए भी है अंडर वाटर, आप दोनों बहन भाइयों के लिए एक एक अंडर वाटर फिश टनल। एक बेटा आपके लिए भी है, जाना और अंडर वाटर फिश टनल घूम कर आना, ये फ्री कूपन आपके लिए। और बच्चा ये हैं, एक आपके लिए भी है अंडर वाटर फिश टनल से, एक आपके लिए, और एक बेटा एक आपके लिए भी है अंडर वाटर फिश टनल। देख कर आना, घूम कर आना, मछलियों से दोस्ती करके आना। हाँ पढ़ी लिखी मछलियाँ आई हैं वहाँ पर, और इसको भी दे दूँ, एक आपके लिए भी है और एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से। दे रहा हूँ बेटा, एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से, और एक बेटा आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से, और एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से। ये लो बेटा एक आपके लिए, आप लोग पीछे पीछे हो जाओ अभी से। हाँ ये पूजा पाठ करना अपने घर में, पूजा पाठ अगरबत्ती, एक आपके लिए भी पूजा पाठ अगरबत्ती, एक आपके लिए और एक आपके लिए। बेटा बच्चों के लिए नहीं है, जिनने पार्टिसिपेट किया भी मैं दूंगा बच्चों को। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी पूजा पाठ अगरबत्ती, एक आपके लिए। ये छतरी नंबर 3 पर लगाया तन मन के स्टॉल के साथ पूजा पाठ डेनिम से, एक आपके लिए पूजा पाठ डेनिम से, एक आपके लिए पूजा पाठ डेनिम से, एक आपके लिए पूजा पाठ डेनिम से, और एक सर एक आपके लिए पूजा पाठ डेनिम से। फर्नीचर छतरी नंबर 7 पर लगा है, और यहाँ पर थोक रेट में मिलते हैं सभी फर्नीचर, एक रिजुल फर्नीचर से। एक बेटा आपके लिए भी रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए रिजुल फर्नीचर से, और एक आपके लिए छतरी नंबर 7 रिजुल से, एक आपके लिए आरके प्रॉपर्टी रईस रफीक खान साहब की ओर से, एक आपके लिए आरके प्रॉपर्टी रफीक खान भैया की ओर से प्रॉपर्टी खरीदिए और बेचिए शहर की किसी भी लोकेशन पर रफीक खान साहब की ओर से। एक बेटा आपके लिए भी है, एक बेटा आपके लिए है आरके प्रॉपर्टी की ओर से। क्या नाम है आपका? एक आपके लिए रफीक खान साहब की ओर से कलेक्शन। हाँ घर बैठकर भी जीत सकते हैं ये शानदार ट्रॉली बैग, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप आ रहे हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में तो एक बार गर्ग साड़ी कलेक्शन पर जाइए, कोइनी रोजरी के ठीक बगल में, थोक रेट में मिलती है वहाँ पर साड़ियाँ, और जानकारी लेकर आइए कि कितने प्रकार की साड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं और रेंजिंग प्राइस कहाँ से है गर्ग साड़ी कलेक्शन से, और जीत कर ले जाइए ये शानदार उपहार। यानी कि अगर आप में टैलेंट नहीं है या फिर आप टैलेंट दिखाना नहीं चाहते, अगर आप बताना चाहते हैं गर्ग साड़ी कलेक्शन के बारे में, फिर भी आप जीत सकते हैं। चलिए आज ट्राई कर लेते हैं क्या क्या गर्ग साड़ी कलेक्शन। अच्छा अभी तो आप छोटे हो, गर्ग साड़ी कलेक्शन बता दो, ये ट्रॉली तुमको दे दूंगा। कहाँ पर है? क्या क्या दे दूँ? अच्छा आपको दे दूँ थैला, थैला भी दूंगा। आंटी जी आप बता दो घर के साड़ी कलेक्शन। नहीं मैं नहीं जानती। अब अगली बार आना तो ट्राई कर, मतलब तैयारी कर आना, और घर बैठे भी जीत सकते हैं घर के साड़ी कलेक्शन की ओर से ये शानदार ट्रॉली बैग। हाँ आप भी जीत सकते हैं के लिए तनमन से,
ये कपड़े धोने वाला साबुन एक आपके लिए भी है तन मन से, कैसा लग रहा है? इसके सारे गिफ्ट जीत लिए आपने। एक आपके लिए तन मन से, और एक आंटी जी एक आपके लिए भी है तन मन से, एक आपके लिए भी है तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से। एक मिनट भाई साहब, पहले उनको दे लूँ मैं। एक आपके लिए तन मन से, अभी दूंगा पब्लिक को भी दूंगा तन मन से। एक आपके लिए तन मन से, एक बेटा आपके लिए भी है तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से, और एक आपके लिए भी तन मन से। ऐसे खड़े रहने पीछे हो जाए। ये जयपुर हाउस से एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है जयपुर हाउस से, एक आपके लिए आंटी जी जयपुर हाउस से, एक आपके लिए जयपुर हाउस से, एक बेटा आपके लिए भी है जयपुर हाउस से, एक आपके लिए जयपुर हाउस से, एक आपके लिए जयपुर हाउस से, और एक आपके लिए जयपुर हाउस से। अभी खड़े रहना और दूंगा। ये आती है ऑडियंस की, तो ऑडियंस के लिए सभी के लिए है तन मन का। हाँ, तन मन से ये साबुन, एक आपके लिए, एक ये सर्फ, एक आपके लिए। तन मन छतरी नंबर 3 पर लगा है ये स्टॉल। हाथ मत करना, उनको मैं नहीं दूंगा। आप खड़े रहो, मैं आराम से दे रहा हूँ। एक आपके लिए, एक आपके लिए भी तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से, और एक आपके लिए भी है तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए। भाई साहब कपड़े धो लेते हो? कपड़ा धोते हैं, बढ़िया, अच्छी बात। एक आपके लिए तन मन से, एक सर आपके लिए भी, एक आपके लिए भी तन मन से। और भैया एक आपके लिए, कपड़े धो लेते हो? पक्का पक्का। हाँ, देखो सफाई से, सफाई से। एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से। बच्चों को भी दे रहा हूँ, आराम से दूंगा। एक बेटा आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए तन मन से, और एक आपके लिए भी तन मन से। बहुत बड़ा पिटारा है अपना, कोई टेंशन नहीं है, थोक रेट में, आराम से। एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए, एक आपको भी देता हूँ तन मन से। एक बेटा आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए भी तन मन से, और सर एक आपके लिए है तन मन से, एक एक आपके लिए तन मन से, और एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए भी है तन मन से, और सर एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से। इधर आपको मिल गए? नहीं मिले तो एक एक और ले लो। एक आपके लिए सासू माँ को दे देना घर पे जाके। एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से। अरे बहुत है, बहुत है, अभी तो बच्चों का हुआ। एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए तन मन से, और एक आपके लिए तन मन से। लो भाई साहब तन मन, और एक बेटा आपके लिए भी है तन मन से, एक आपको भी है तन मन से, और एक बेटा आपके लिए तन मन से। सबके लिए, सबके लिए है। और अगर हाँ आप में भी है कोई टैलेंट, तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, मिल लीजिए मेला महोत्सव की टीम से। छतरी नंबर 3 पर अब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और पहुँचते सीधे आगे। 1 2 3 और दोस्तों मेला महोत्सव की टीम इस वक्त में मौजूद हूँ महाराज बाड़े पर, मोर बाजार गांधी मार्केट के ठीक पास में है दुर्गेश्वरी साड़ी सरोवर जयपुर हाउस। यानी कि यहाँ पर मिलेंगी आपको लेटेस्ट साड़ियाँ, और साथ ही जयपुर स्टाइल की साड़ियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल है, और मात्र 199 रुपये से शुरुआत है यहाँ पर साड़ियों की। 199 रुपये से मात्र ये शुरुआत है, और आप 2000, 3000, 4000, 5000 और लेटेस्ट लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ जयपुर हाउस।
दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर आदित्य वर्ल्ड स्कूल के ठीक सामने है लैम्बेंट गिफ्ट पैलेस की ये शॉप। और ग्वालियर के मैं पहली बार यानी कि ग्वालियर में पहली बार लेकर आए हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो अब मिलेंगे एक ही छत के नीचे लैम्बेंट की इस प्यारे से शोरूम पर। चलिए आपको लेकर चलता हूँ लैम्बेंट शोरूम के अंदर। मौजूद हूं टोपी बाजार में उर्वशी मोबाइल एसेसरीज की इस प्यारी सी शॉप पर। यहां पर होलसेल एंड रिटेल में सब कुछ मोबाइल के एक एक सामान यहां पर अवेलेबल है। और मेरे साथ में यहां पर आकाश बंसल जी मेरे साथ यहां मौजूद हैं। जय श्री राम आकाश जी। जय श्री राम। आकाश जी क्या क्या अपने पास अवेलेबल है? अपने पास सारे मोबाइल कवर हैं, अपने पास अलग अलग वेरायटी के मोबाइल कवर हैं। सस्ती रेंज से लेके ऊपर रेंज तक सारे मोबाइल कवर मिल जाएंगे। टेम्पर्ड ग्लास हैं, अच्छे क्वालिटी के, सादा टेम्पर्ड, अच्छी क्वालिटी के टेम्पर्ड हैं। नेकबैंड हैं, एयरफोन हैं, एयरबड्स हैं, पावर बैंक हैं, डाटा केबल हैं, चार्जर है, अपने पास सब अच्छी रेट में मिल जाता है। और बाकी अपना होलसेल का काम है तो रेट अपनों को पूरी मार्केट से अच्छी रेट मिल जाएगी। कोई अगर आपसे सामान जो मोबाइल शॉप वाले हैं जो दूर 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 जगह आज तक लोग देख रहे हैं अगर वो आपसे सामान लेना चाहें तो वो सामान भी आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सामान मिल जाएगा, उचित रेट में मिल जाएगा, होलसेल की रेट में मिल जाएगा और मार्केट से सबसे अच्छी रेट में अपने पास सामान मिल जाएगा, सारा माल मिल जाएगा अपने पास। हाँ, अपने पास कंपनी का भी ब्रांड है और अपने पास ऑफर भी चलते हैं। जैसे वो अच्छी क्वांटिटी माल लेते हैं तो उनको गिफ्ट वगैरह भी देते हैं अपन लोग। गिफ्ट वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नंबर जानना चाहेंगे आपका, मोबाइल नंबर बता दीजिए जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मेरा नंबर है 7697288599। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं अपने मोबाइल में अच्छा कवर डलवाना या फिर टेम्पर डलवाना या फिर वॉच लेना, हाँ जो स्मार्ट वॉच चल रही है, स्मार्ट वॉच वगैरह भी है अपने पास। अपने पास 450 से स्मार्ट वॉच है और 2-2.5 हज़ार रुपये तक के, 450 से स्मार्ट वॉच है अपने पास अवेलेबल। अगर कोई आपका नाम लेके आएगा तो 450 रुपये की स्मार्ट वॉच मिलेगी, बाकी अपन 600-700 रुपये बेचते हैं। वैसे अगर मेला महोत्सव का नाम लेके आएगा तो 450 रुपये। तो दोस्तों आइए ग्वालियर, यहाँ पर ग्वालियर के महाराज बाड़े पर टाउन हॉल के ठीक जस्ट बगल में है टोपी बाजार में। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो राइट हैंड पर चौथी दुकान आपको मिल जाएगी उर्वशी एसेसरीज मोबाइल की ये प्यारी सी शॉप। आइए और आकाश बंसल जी से मिलिए और ले जाइए अपने मोबाइल के पसंदीदा कवर और पसंदीदा स्मार्ट वॉच। आइए और एक बार आकर देखिए तो सही। और मेला महोत्सव का नाम लेते हैं या फिर मेरा नाम लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और हो सकता है आपको कुछ उपहार भी मिल जाए यहाँ पर आकर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द ट्रीट कैफ़े पर। और ये कैफ़े जब भी स्वाद की बात आती है
और खाने पीने की बात आती है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम याद आता है, द ट्रीट कैफे। और ये ट्रीट कैफे स्थित है हनुमान चौराहे से अपन बाड़े के लिए आते हैं, जनागंज स्कूल और ओल्ड जनागंज थाने के ठीक पास में है द ट्रीट कैफे। चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ द ट्रीट कैफे के अंदर। कला मंदिर गेट के ठीक पास आपको दिखाता हूँ मैं, कला मंदिर रंगमंच के ठीक पास में है ये तन मन का ये स्टॉल। हाँ, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आ रहे हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में, आइए तन मन का स्टॉल पर। प्रोग्राम का नाम लेने पर आपको उपहार दिया जाएगा यहाँ पर तन मन के स्टॉल पर। आइए प्रोग्राम का नाम लेते हैं और बताते हैं कि हमने ये वाला स्टॉल हमने ग्वालियर मेला महोत्सव में देखा और वहाँ से हमें पता पड़ा है। तो आइए आपके लिए ये शानदार उपहार, ये आधा केजी की आपको दी जाएगी उपहार स्वरूप। हाँ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर डेनिम की पूजा पाठ बिग बॉस धूप अगरबत्ती भी यहाँ पर अवेलेबल है और धूप बत्ती भी यहाँ पर अवेलेबल है और साथ में ये शानदार, हाँ, यानी कि घर को महकाएगी और आपकी पूजा पाठ को महकाएगी। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, एक बार लगा दीजिए भोले बाबा के, हाँ, भोले बाबा के मंदिर में आपकी मनोकामना पूरी होगी क्योंकि ये है और साथ में यहाँ पर कपूर भी अवेलेबल है। आइए एक बार तन मन के स्टॉल पर, छतरी नंबर 3 और कला मंदिर गेट के ठीक पास में। और मेरा नाम लेकर आते ना विवेक भैया के प्रोग्राम में देगा तो आओ, आपको उपहार मिलेगा, यानी कि कुछ भी मिल सकता है। जो सेगा 1 kg का ये डिटर्जेंट पाउडर, आइए तन मन के स्टॉल पर छतरी नंबर 3 पर। और दोस्तों मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 19 पर, है खाटू श्याम बाबा का ये दरबार, यानी के खाटू श्याम बाबा इस वर्ष ग्वालियर के व्यापार मेले में आए हुए हैं और साथ में यहां पर पूरा का पूरा यानी कि खाटू श्याम बाबा का मेला लगा हुआ है। यहाँ पर कई सारे सॉफ्टी के स्टॉल भी आपको मिल जाएंगे और बच्चों के लिए गेम जोन भी यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आप देख सकते हैं, ये है बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ में यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में। चलिए आपकी मुलाकात कराता हूँ भैया से और उनका भी मुँह मीठा कराएगी मेला महोत्सव की टीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाटू श्याम दरबार के ठीक बाहर, यानी कि बाबा श्याम का दरबार लगाया हुआ है यहाँ पर पानी की टंकी के नीचे छतरी नंबर 19 पर। मेरे साथ में तोमर जी और शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शर्मा जी, कैसा रिस्पांस है ग्वालियर वासी? नहीं, मेले में काफ़ी बड़ा अच्छा रिस्पांस है, आप लोगों की मदद से, सभी के कार्यक्रम से ये मेला बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी भीड़ भी इस बार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में है। बाबा के दर्शन में भरपूर लाभ मिल रहा है सभी को।
गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ग्वालियर शहर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में आए हुए सभी सैलानियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 26 जनवरी के अवसर पर सैलानियों की उमड़ी भीड़ और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। ग्वालियर की पब्लिक आज मौसम खुलने की वजह से भरपूर एंजॉय कर रही है मेले में। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जब अपन छोटे थे तो किस चीज़ का इंतजार रहता था अपन? हम लोगों को जब हम छोटे थे तो हमें तो सबसे पहले सुबह 7 बजे नहा धोकर अपना भारत देश का तिरंगा अपने अपने स्कूलों में गणतंत्र दिवस बनाने का बहुत उत्सुकता रहती थी। मीठे में क्या? और स्कूल में जो लड्डू मिलते थे उसके लालच से हम लोग सुबह 6 बजे ही नहा लिया करते थे और ड्रेस पहनकर 7 बजे स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने की बहुत उत्सुकता थी और झंडे को लहराने की हमें बहुत उत्सुकता रहती थी। भी है आर के प्रॉपर्टी रफी खान साहब की ओर से और वीरेन शर्मा जी की ओर से डैन के संचालक